ये बताइए सर कि आपके पीएम साहब ने जो आए थे उन्होंने एक और भी अनाउंसमेंट सजाद साहब की थी कि जी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज कर दें तमाम को। जी हाँ वो आपने कुछ लिस्टें कुछ भेजी भेज हैं, दिया। कईयों के नाम वो कहते हैं रह गए उसके अंदर, नहीं नहीं गए। जो लोग इंडाउमेंट फंड से थे वो ये उनके नाम डिस्टिंक्शन है भेज क्या दिया। ये, बिकॉज ये देखिए लोगों को एक जो जो लोग कन्फ्यूजन है। कॉन्ट्रैक्ट पे लोग होते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लोग जो वो लोग एक प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट होके आते हैं, एक सिलेक्शन कमेटी के जरिए आते हैं। इंडाउमेंट वाले का मसला फ़र्क होता है। तो जो 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 कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सिलेक्ट होके आए थे उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर ने का इजाज़त दी थी, उन्हीं के नाम भेज दिए गए। वो लेकिन उन्होंने पीएम साहब ने फिर कहा था कि जो एंडोमेंट वाले को ना रखा जाए। देखिए उन्होंने कहा था जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हो और वही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि प्रॉपर इंटरव्यू के जरिए जैसे रखे भी जाते। इतनी डिवीजन और ये जो सारी एक फैकल्टी डिवाइड हुई हुई है बिटवीन, आप इन फाइटिंग भी है, आपस में सीनियोरिटी के भी इश्यूज हैं, और आपके ख्याल में ये कोई अदारे की फंक्शनिंग को अफेक्ट तो करती होगी। ऑब्वियसली कर सकती है। तो मतलब देखिए, चलें अब आप आए हैं, आपने क्या सोचा है कि आपने ये कैसे डिफरेंसेस खत्म करने मैंने हैं? तो कोशिश की है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रा मेरे बारे में बाहर जाके स्टूडेंट्स के साथ कुछ मालूम तो ले ना, थोड़ी बहुत तो हम कि लेके ही आए थे ना या जी, कुछ बाकी कुछ लेके ही बाकी आए बाकी थे। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपको एक्चुअली एज ए हेड इसको एक जब तक कि आप क्योंकि इंसाफ से जब आप इस मिले। पोस्ट पे आ गए हैं तो अब आपके अपने डिफरेंसेस आपको भुला देने चाहिए, एंड आपका इट्स योर सच ड्यूटी नाउ टू टेक एवरीवन टुगेदर एंड इस यस, अदारे को आगे लेके चलना आई है। थिंक ये सवाल आप करें बाकी सारे उस्तादों से, तो फिर मेरे बारे में आपको अच्छा, बताएंगे। पर चलें, वो एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि आपकी हायरिंग जो होती थी, इट ऑलवेज यूज टू बी एक इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग थी कि 50% पोस्टें प्रमोशन से भरी जाएंगी, 50% आप लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। अब सुना है कि अब आप सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर ले गए हैं। ये मुझसे दो जो जो पहले पहले प्रिंसिपल रहे प्रिंसिपल हैं ये थे फैसला वो उन्होंने कर ये चुके बोर्ड ऑफ थे, गवर्नेंस एंड के जरिए तय किए। आपने अपने अपने प्रमोशन रूल्स इस वक्त सस्पेंड किए हुए हैं। नहीं वो जो उन्होंने यही कहा है कि जो उनका ये ख्याल था कि जो बेस्ट आदमी है उसको सिलेक्शन के जरिए आना चाहिए, अगर किसी वजह से कोई एक आदमी जो इंडक्ट कर लिया गया है और वो उस इन्हें परफॉर्म भी नहीं कर रहा है सिर्फ नहीं, बट उनकी इस पे। रिपोर्टिंग प्रोसेस भी तो होता है सजाद साहब की, आप उनकी ACRs वगैरह जाती हैं मुझे सबकी, कोई उसमें आप पर्सनली लिख इसमें सकते मसला नहीं हैं। है, लेकिन ये इसका फैसला मैंने नहीं किया, ये फैसला मुझसे पहले लोगों ने किया। बट आपके चले पर्सनली आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? फैसला तो जो हो गया सो हो गया, बट वो डू यू थिंक ये होना, अनलेस क्या प्रमोशन के मौके नहीं मिलेंगे फैकल्टी मेंबर्स को, तो नेचुरली एक उनकी एक डीमोरलाइज तो थोड़े हो जाएंगे। यू नीड टू गिव देम एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ के प्रमोशन, करियर ग्रोथ तो सबका ख्वाहिश होती है। अब मैं भी कोई काम कर रहा था, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट कि करियर में प्रोग्रेशन हो, तो डोंट यू थिंक ये एक होना चाहिए कि एक इनको भी पूरे मौके मिलने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यू अग्री विद इट? हाँ बिल्कुल। चले एक और सजा था, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट रिसेंटली देखने में हमारा आया था, शहर ने सारे शहर ने देखा था, एंड वी हमने भी कवर भी बहुत ज़्यादा किया था, कि जब एक स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्टों पे आ गए थे, स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग फॉर टीचर्स, यहाँ पे वो काम क्लासेस नहीं पढ़ रहे थे, एक वो उसकी हकीकत थी, हुआ क्या था वो? वो एक्चुअली यही जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे थे लोग, उनमें से कुछ के बारे कुछ उन्हें चार लोगों को जो जिनको उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया था उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने रिएक्ट किया था। नहीं, बट स्टूडेंट्स का क्या, ये स्टूडेंट्स को ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है क्या, ये इनकलकेट किया जा रहा है क्या, उनका काम है टीचरों को बहाल कराना, या किस टीचर को होना नहीं चाहिए किस उनका टीचर कोई को काम नहीं नहीं है, होना चाहिए? लेकिन जो स्टूडेंट्स का अपना एक रिएक्शन था। बट नाउ स्टूडेंट्स फील कि हमें यूज़ किया गया है, स्टूडेंट्स से अब जो हमारी बात हमने कुछ किए हैं बैकग्राउंड इंटरव्यूज, दे फील कि हमें इस्तेमाल किया गया है इन्होंने यहाँ पे इस काम के लिए। हाँ तो इतने उनको बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि उनको इस्तेमाल हो जाए। अच्छा वो तो, लेकिन अब लेकिन चले क्योंकि वो एक अपना एक इन्फ्लुएंस है कि देख चुके हैं जैसे कि जी हमने एग्जाम्स वगैरह में भी कोई जूरी शूरी भी कोई पोस्टपोन करवा ली थी अपनी, एक नया कोई कहते हैं जी एक प्रेशर ग्रुप बन गया यहाँ पे, कि द टीचर्स हैव नाउ रियलाइज्ड कि इनको अपनी रॉन्ग साइड पे नहीं लाना, दे इनको हमने अपनी राइट साइड पे रखना है स्टूडेंट्स को। नहीं मेरे ख्याल में आई डोंट नो इस बारे दिस में कितनी हैपन्स, इट्स सच्चाई। नेचुरल बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लॉयर, आई प्रैक्टिस लॉ, लॉयर्स मूवमेंट के बाद वकीलों के अंदर भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है क्या कि दे फील कि एक प्रेशर ग्रुप बन गया हमारा, अब हम जो मर्जी करें। अब यस यहाँ यस पे यस आपके स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं, उनके कुछ एग्जाम्स थे कुछ, उनको अब आगे वो कहते हैं जी हमारे नंबर्स, टीचर्स हमें फेल करने को तैयार नहीं है, दे मतलब टीचर्स ने रियलाइज़ कर लिया कि हमारी एक मिलिशिया एक प्राइवेट फोर्स तैयार हो गई है। नहीं, आई एम सॉरी, मैं इससे एग्री नहीं करता, अच्छा आप बिल्कुल डिसग्री बिल्कुल नहीं करेंगे? एग्री करता। अच्छा नहीं, अच्छा सजा साहब ये बताइए कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है गाइडेंस करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, के स्टूडेंट्स ने आगे किधर जाना है, एप्लीकेशंस उनको ज़िंदगी में एक लाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करने के लिए, हर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे कोई फुल टाइम उस तरह का ऑफिस ही नहीं है। नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ होना चाहिए। आई वुड से यस।
बट क्योंकि अभी वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम एट एन इनफॉर्मल लेवल प्रोफेसर टीचर्स हेल्प अस, वो हमें गाइड करते रहते हैं, बट एट एन इनफॉर्मल लेवल कोई इंस्टीट्यूशनलाइज इसको नहीं किया गया। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एक टीचर हैं जो कि इस मेरे उनका नाम मोहम्मद अली है, मेरे तिरमिजी नाम है उनका, वो मुझे लगता है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट जो है इसी हवाले से कि मुझे लगता है कि ये काम वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये हम देखेंगे। आपके प्लान में है कुछ सेटअप करना है किस तरह? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इस काम के लिए सूटेबल है। अच्छा, जैसे एक और हमने देखी है चीज़, सारी दुनिया के जो आर्ट स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो अपने वर्क्स पेपर्स पब्लिश करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ पे ना कोई कैटलॉग पब्लिश होता है स्टूडेंट्स के कामों का, प्रोजेक्ट्स का? बिल्कुल होता है, मैं आपको भी देता हूँ उसके बाद जैसे इंटरव्यू खत्म होता है, क्योंकि जो हमने आपके आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स से तो बातें हुई हैं, जैसे कि जी हमारा कोई कैटलॉग कोई डॉक्यूमेंट उस तरह पब्लिश नहीं होता। मैं अभी आपको देता हूँ जब ये इंटरव्यू खत्म होता है। तो आपके कितनी पब्लिकेशन चल रहे हैं कॉलेज की इस वक्त हो रही हैं? देखिए, एक और हमारे सोबत के हवाले से एक वो निकलता है 3 महीने के बाद, वो उसमें उसके 2-3 इश्यूज बहुत अच्छे निकले हैं, अगर आप देखें यू विल बी अमेज्ड टू सी द टैलेंट। तो बड़ा यहाँ पे भी ऑल एग्री, वो तो सारा शेयर एग्री करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आए हैं ना, एंड तमाम जो काम हो रहा है कॉलेज का वो कहीं पे डॉक्यूमेंट हो रहा है इस नहीं उस तरह से। तो आपके हमारे क्या उसको कहते हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो अपने अपने डिपार्टमेंट के निकालते हैं कैटलॉग्स, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आफ्टर द इंटरव्यू। अच्छा, बहुत सी आपकी बातों से सजा सा भी लग रहा है कि फंडिंग इज अ वेरी बिग इशू। यस, इस वक्त आप फंडिंग आपके सोर्सेज हैं क्या क्या? हमारे तो सेंटर से ही आते हैं ना ये पैसे वहाँ से, तो और बल्कि आपको मालूम ही है कि बहुत सारे फंडिंग में मसाइल भी आए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ जो जब सैलाब आ गया था तो कुछ फंडिंग के रोक पे ली गई थी, यानी मेरे आने से 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अपने आपको जनरेशन के लिए खुद नहीं कुछ आप कर सकते हैं, कोई अगर सेल्फ अपने को अलमनाई को टैप कर रहे हैं, कोई आपके बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ लीडिंग अलमनाई वगैरह हैं, तो आपने कुछ सोचा भी उसके लिए? बिल्कुल यही कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ बस मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे दो कहने के तो मामूली बात है, लेकिन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, टॉयलेट्स हैं, वो इसी तरह से किसी को फ़ोन किया कि भाई आओ इसको देखो, ऑडिटोरियम को हम रिफर्बिशमेंट करने का सोच रहे हैं, इस वक्त मुख्तलिफ कमेटीज़ काम कर रही हैं, एक है नेशनल कॉलेज की इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। आपको मैं दावत दूंगा हम तकरीबन 9 तारीख को या 16 तारीख को ये सारा एक कॉलेज में अवेयरनेस के लिए एक पूरी मुहिम की जा रही है कि किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर रखना है। देयर इज़ अ कमेटी दैट इज़ वर्किंग ऑन द जो कि प्लांट्स और लैंडस्केप के हवाले से काम कर रहे हैं। एक कमेटी इस वक्त काम कर रही है जो कि देखेगी कि जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ऑब्वियसली हमारे पास पैसे नहीं है और मैं इस चीज़ का इंतजार नहीं कर रहा हूँ कि बहुत कभी पैसे आएंगे तो हम करेंगे। लेकिन सरकार देती क्यों नहीं है पैसे आपको, वजह क्या है? आई डोंट नो, सरकार का मुझे मसला मुझे मालूम नहीं है। आपने सरकार से रिलायंस हटा दी अपनी कि अब आपके सरकार के ऊपर ही रिलाई करना है कि आपको रियलाइज हो गया कि खुद ही कुछ करना पड़ना है? देखिए, हम खुद कोशिश कर रहे हैं और हमारे जैसे आपने एलुमनाई की बात की थी वो हमारे साथ शामिल है और मैं जिसको फ़ोन कर देता हूँ एक कि भाई ये कोशिश करें जैसे ये हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हम वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मेजर रेस्टोरेशन वर्क, वी आर गोइंग फॉर अ माइनर रेस्टोरेशन वर्क, सो दैट यू नो जो भी इस वक्त वो डिके है वो इस जगह रुक जाए। मसलन एक बुर्जी टूट गई है, बुर्जी बना दें, 20 इंटें इधर से निकल गई हैं, ये 20 इंटें लगा दें। ये आने के बाद जब से मैं आया हूँ उसके बाद से हमने ये सारा इसके ऊपर एक वर्किंग कर ली है और वो उस वर्किंग के मुताबिक हमने फिगर आउट कर लिया भाई इतने पैसे चाहिए हम उसको और वो हम उस तरफ देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसके जो लैंडस्केप है कॉलेज की उसको देख रहे हैं, इस पर एक पूरी कमेटी काम कर रही है इसके ऊपर। इनफैक्ट कल मेरी मीटिंग है स्टूडेंट्स के साथ भी, जो एक कमेटी है वो सब इस पर लेके आ रहे हैं और ये जो हम एनवायरनमेंट डे बनाएंगे कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए उस दिन मैं दावत दूंगा आपके चैनल को बिल्कुल कि आप आएँ और यहाँ देखें कि क्या किस स्पिरिट से ये लोग बच्चे काम करना चाह रहे हैं आगे चल के। स्टूडेंट्स की फीसें वगैरह भी बढ़ाने का कोई इरादा है कि नहीं है? नहीं, मुझे बताएं कि बाकी इदारे तो बहुत हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फीस है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ही वो बच्चे सारे मुल्क से आते हैं जो कि देखिए ना एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। आई थिंक हमें एक तो ये इशू जो है कि हर साल 10% फीस बढ़ती है, इसको थोड़ा सा देखना है क्योंकि अगर इस तरह बढ़ती रही तो बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। ये तो मेरे ही ख्याल में यहाँ जाके कुछ अगर हुकूमत को सब्सिडाइज कुछ सब्सिडी देनी पड़े चीज़ों पे देनी चाहिए, गवर्नमेंट तो उन पे देती नहीं है, वो मिलनी चाहिए। और तब देखिए ना आपके गवर्नमेंट कॉलेज में या कनेड कॉलेज के अंदर कहाँ पहुँच गई है फीसें, FC कॉलेज में किधर पहुँच गई है फीस, ठीक तो बच्चे किधर जाएंगे? आपकी एवरेज इस वक्त फी क्या होगी फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर हम कोई
अब तकरीबन कोई 3,500 के करीब पहुंची हुई है। दिस इज मंथली पर मंथ पर मंथ दिस इज नेग्लिजिबल जी। वे जो सर्विसेज जो क्वालिटी आप दे रहे हैं, आज ही सुबह मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, वो सिंध से था, नहीं थे पैसे, इंटीरियर सिंध से था, 3,500 उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आपने लेकिन कोई इनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आप देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अगर कोई आपको नीड बेस्ड कोई आए आदमी उस तरह से उसको देख रहे हैं? बिल्कुल। चलें सज्जाद साहब, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं आर्किटेक्चर के, इस वक्त एक्टिंग प्रिंसिपल भी हैं, डायरेक्टर वो कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइन भी आप ही हैं, रावलपिंडी कैंपस की भी डायरेक्टर आप ही हैं, तो हाउ डू यू मैनेज ये सारा कुछ, किस तरह आप करते हैं? देखिए, जल्दी जल्दी मैं हवाले करूँगा लोगों के। मसलन हमने रावलपिंडी डायरेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है, वो 2-3 वीक्स में आ जाएगी और वो आदमी रखा जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। क्योंकि ये जो सारे एक्टिंग वाले मसले हैं ये ख़त्म होने चाहिए, ये सब ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो सारे मुल्क की प्रॉब्लम ही है, एडहॉकिज्म और ये चीज़ें नजर आ रही हैं। इसमें आपके साथ मतलब साथ हूँ कि ये आए और ख़त्म हो, बल्कि मैं खुद इस सीट से यू नो जितनी जल्दी मैं समझता हूँ कि इतनी मुश्किल पोजिशन तो नहीं है ना जी आपका। नहीं, मेरी बात सुनिए, हर एक को जाना है और ग्लू करके नहीं बैठ जाना चाहिए कुर्सी के ऊपर। आपने जाना है, आप देखें कहते हैं भरा मेला छोड़ के जाना चाहिए। जो क्रिकेट का कैप्टन बीच में चला जाता है ना, वन इट जब वो प्राइम पे है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट रहती है। तो मैं भी ये चाहता हूँ यहाँ से कि मैं यहाँ से जब जाऊँ, जो मेरा टाइम है मैं उसको पूरा करके निकल जाऊँ। मैं कभी भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करूँगा उसके बाद। या जैसे आप कह रहे हैं कि कह रहे थे कि भाई बाद में आने चाहूँगा, मेरे लिए 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अलावा। तो मैं ये लेकिन कोई लेगेसी भी छोड़ के जाने की ख्वाहिश तो होगी ना आपकी, कि अगर आप जब जाते हैं तो कोई लेगेसी भी आप पीछे छोड़ के जाएं। उसके लिए यही कर सकते थे ना, विद इन 1.5-2 महीने के अंदर मैंने पोजीशन एडवर्टाइज कर दी हैं और अभी वो 5 तारीख तक उसकी आखिरी तारीख है, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। तो यानी इस तरह से हम आगे चल पड़ेंगे। चलो चलो, एक सवाल सजाद साहब बताइएगा कि आपके ख्याल में clearly things are not as good as हम लोग जो आउटसाइड से देखते हैं उनको लगती थी, आपके ख्याल में इस वक्त कौन से एरियाज हैं जहाँ पे NCA को फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, लैकिंग है, वीकनेसेस जो हैं कॉलेज की, नेचुरली कोई ना भी वीकनेसेस तो होंगे जी इसकी। बिल्कुल वीकनेसेस हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो जितने यहाँ पे दो और रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, यू हैव यानी कि पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है, मुझे लगता है कि जितना शाकिर साहब के ज़माने में था 40 साल के पास, उसमें कोई खास वो नहीं हुई है। कॉलेज बढ़ के किधर से किधर पहुंच गया, तो वो प्रोपोर्शनली हमने इंक्रीज किया, वो नहीं इंक्रीज किए ना आपने। बात ये होती है कि हमारे यहाँ मुश्किल कई दफ़ा मुझे लगता है ये कि ये भी होती है कि लोग हर चीज़ सेंट्रलाइज कर लेते हैं। मुझसे पूछो, जब तक आप डाइवर्सिटी नहीं लेके आएंगे, जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे, मुख्तलिफ लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे बने, उस वक्त इदारे नहीं चलेंगे। तो आपको ये सारा कुछ करना है, जैसे मैंने आपको बताया हमने वो पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है, वहाँ पे एडहॉक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप रखें लोगों को और आगे चलें और ट्रस्ट करें। बट लेकिन कैन यू, हु डू यू ब्लेम कि इतने सालों के अंदर ये सिस्टम्स इन प्लेस नहीं आ सके, आगे चलना चाहिए मेरे ख्याल में। सज्जाद साहब, यही इस मुल्क में हम करते रहे हैं कि किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराए बगैर हमेशा आगे देखते रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आगे भी देखना चाहिए, बट वी शुड ऑल्सो पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम ऑन समवन, ताकि आगे फिर ये चीज़ें ना हो। देखिए, ब्लेम करने से क्या फ़ायदा है, जो कर देना था वो कर गए। अभी हमें अच्छे हालात में इतनी चीज़ें छोटी यहाँ पे हैं, इस वक्त आप अग्री कर रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे एनसीए में प्रॉब्लम है? यहाँ स्टाफ था जितना शाकिर साहब के ज़माने में था, उस मामूली उसमें इजाफा हुआ है। और कॉलेज उस वक्त 3,500-3,500 लोग होते थे, अब 14 कॉम्पिटिशन भी कोई नहीं था, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया। यू नीड एंड वर्क, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। बिल्कुल, आई वुड से सजाद साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपकी विजन क्या है फॉर एनसीए? जी, मैं देखना चाहता हूँ, जैसे हम समझते हैं कि टू मेंटेन रीजनल आइडेंटिटी इन ए ग्लोबल कल्चर, हम यू नो जैसे आप, तो वो मैं समझता हूँ। वो कहते हैं ना कि प्रोफेसर रुगान कुबान एक हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो उन लोग कहते हैं कि जी वी आर लुकिंग फॉर आइडेंटिटी बट वी आर एंशियस टू बी कंटेम्प्रेरी। तो हम किस जहाँ बैठे हैं, जिस धरती में बैठे हैं, जिस ज़मीन में बैठे हैं, वो उसका अक्स, उसका फ्लेवर वो होना चाहिए। और यही हमारे तालीम में भी होना चाहिए। लेकिन जापनीज आर्किटेक्चर है, बिल्कुल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, उसमें आप उसको शुमार कर सकते हैं। लेकिन यू लुक एट द बिल्डिंग, जो जापनीज हैं, आर्किटेक्चर के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनमें आपको मिनट नहीं लगेगा ये पहचानने में कि ये जापान में होगी। समझे, लुक एट द इंटीरियर्स ऑफ जापानीज एंड ऑल दैट। तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन आपने रखनी है, समझे, तो आइडेंटिटी मेंटेन रखते हुए ग्लोबल कल्चर में आपने अपने आपको देखना है। थैंक यू सज्जाद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।